आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अनु कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। हमेशा की तरह आज स्टूडियो में हमारी ऑडियंस मौजूद है। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, है कदरदानी आपकी। आज इस सीरीज में आज आपको बताऊंगा कुछ इंसिडेंट, नए किस्से होंगे, नई कहानियां होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेहरबान कदरदान, सुहाने सफर का आगाज दत्त साहब के एक इंसिडेंट से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दत्त साहब पंजाबी जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे और बचपन से ही बहुत शर्मीले थे। बचपन में स्कूल गए तो सभी लड़के, आज की तरह स्कूल में जो कोएड आ जाता है कि लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, उस तरह से उनको स्कूल नहीं मिला। तो बचपन से ही लड़कियों से बात करने में थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी शर्म आती थी। बड़े होने पर शहर के कॉलेज में पढ़ने आए। अब ये कॉलेज कोएड था, यहाँ पे लड़कियाँ थीं, लेकिन जो बचपन से ही स्कूल में पढ़ने की वजह से एक शर्मीलापन था, तो लड़कियों से ज़रा कटे कटे रहते थे थोड़े से शर्मीले थे, झिझकते थे, लेकिन कॉलेज के प्लेज वगैरह, ड्रामा वगैरह में भाग लेने लगे। उस ज़माने में एक कंपनी हुआ करती थी, ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग कंपनी, जिसका नाम था डीजे कीमर्स। इस कंपनी के किसी मुलाजिम ने, किसी अधिकारी ने, अफसर ने, प्रोग्रामिंग हेड ने दत्त साहब का एक प्ले देखा और इस प्रोग्रामिंग हेड को दत्त साहब की आवाज़ पसंद आ गई और उन्होंने सुनील दत्त साहब को पेशकश दे दी कि आप हमारे लिए जो सितारे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको इंटरव्यू कीजिए। दत्त साहब को बताया गया कि ये कंपनी लिप्टन के लिए एक प्रोग्राम बना रही है और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है इंटरव्यूज़ ऑफ मूवी स्टार्स, करना है आपको, एंड वी वुड लाइक टू साइन यू। आपको फिल्मी सितारों के इंटरव्यू लेने होंगे। और ऑफर दिया ₹25 का, ना करने का सवाल ही नहीं था। अच्छा, ये पूरे कॉलेज में जंगल की आग की तरह ही बात फैल गई कि इनका नाम था बलराज, कि बलराज को ये काम मिल गया। कॉलेज में उस ज़माने में अगर ₹25 का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और इस प्रोग्राम में दत्त साहब ने उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े फिल्मी सितारों को, फिल्मी हस्तियों को इंटरव्यू किया। एक दिन उनके बॉस चंद्रा साहब ने उन्हें कहा कि जाओ और एक और स्टार कामनी कौशल जी का इंटरव्यू लेके आओ। अच्छा, ये शर्मीलापन अभी तक गया नहीं था, लेकिन ये ऐसा ऑर्डर था जिसे मना करना नामुमकिन था। बहरहाल वो अगले दिन कामनी जी को इंटरव्यू करने के लिए उनके घर पे पहुंचे। पहुंच गए बिल्डिंग के नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे घर हुआ करता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसे, कामनी जी क्या बोलेंगे, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, बचपन से ही वो था, शर्मीलापन तो था ही। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद वो वापस लौट आए और ऑफिस में पूछा गया कि भाई इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने कहा कि जी घर पे कोई था नहीं। बॉसेस ने कहा अच्छा कल फिर चले जाना। दूसरे दिन फिर पहुंच गए, इस बार थोड़ी सी हिम्मत करके बिल्डिंग के नीचे खड़े नहीं रहे, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए, कामनी कौशल जी के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन यहां पहुंचकर एक बार फिर हिम्मत जवाब दे गई, उल्टे पैर वापस लौट आए और बॉस से कह दिया आज भी घर पे कोई था नहीं आप समझ रहे मेरी बात, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर बॉस चंद्रा साहब ने कहा कि कमाल है, एक बार फिर ट्राई करना और कल फिर चले जाना। अब आया तीसरा दिन, दत्त साहब दोबारा हिम्मत करके गए और कामनी जी के दरवाजे की घंटी की तरफ कई बार हाथ बढ़ाने के बावजूद हिम्मत नहीं हुई कि घंटी प्रेस कर सके। और उन्होंने सोच लिया यार इस बार दो दिन तक ये बहाना चल गया है तो एक बार फिर चल जाएगा और मैं बॉस को बोल दूंगा कि आज भी कामनी जी घर पे नहीं थी। उन्होंने ये मन जैसे ही बनाया कि बस चलो वापस रिट्रीट करते हैं, सीढ़ियों से उतर रहे थे कि सामने उन्हें बॉस चंद्रा साहब दिख गए। चंद्रा साहब ने पूछा क्या हुआ भाई, हो गया इंटरव्यू? अब घबरा गए सुनील दत्त साहब, क्योंकि उनको तो पकड़ लिया गया था। कहने जी नहीं सर, वो क्या था, आज भी कामनी जी घर पे नहीं है। चंद्रा साहब ने कहा अच्छा, लगातार तीन दिनों का घर पे नहीं, चलो उनके घर पे एक कोई मैसेज छोड़ देंगे। और ये कहते हुए वो वापस
कॉमनी जी के फ्लैट की तरफ सीढ़ियां चार पांच चढ़ के दत्त साहब को लेके यार घंटी बजा दी फ्लैट की। दरवाजा खुला और इत्तफाक देखिए कि दरवाजा खोलने वाली स्वयं वो सेलिब्रिटी कामनी कौशल थी। और उन्होंने कहा, छूटते ही देखा चंद्रा साहब को, कहले चंद्रा साहब ये क्या बात है, मैं 3 दिन से वेट कर रही हूं इंटरव्यू के लिए, कोई आया ही नहीं इंटरव्यू लेने के लिए, क्या मजाक बना रखा है। और इस तरह से पोल खुल गई, इंटरव्यू तो लेना पड़ा वो अलग की बात है, लेकिन दत्त साहब को बहुत डांट पड़ी थी इस बात के लिए। उनको वार्निंग दी गई थी कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी तो दत्त साहब की नहीं गई, लेकिन दत्त साहब खुद उस नौकरी को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे बन गए। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।